सहारनपुर से हैं मदन पाल जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर। अफीम जी से बात करवा दो हमारी। जी स्वागत है आपका। जय हिंद भाई। हाँ नमस्ते जी। अरे एक तो मेरे कुल्लों में और ये टांगों में दर्द रहता है बहुत। क्या उम्र है आपकी? कब से दर्द है? मेरी 66 साल उम्र है जी, और एक मेरा पेट खराब रहता है जी। देखो जी, उधर के लोग मेहनती बहुत होते हैं, और ये मेहनती लोगों को हो जाता है कुल्लों में दर्द, और पेट को भी अच्छा होना मुमकिन है। आप नुस्खा लिख लें, अगर लिख लेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। देखिए, दर्द के लिए तो एक आता है काला गौन, आसान भाषा में कहते हैं काला गौन। ये असली लेना ज़रूरी है, नकली बेहिसाब मिलता है। आधा ग्राम गौन, काला गौन या गौन स्याह भी कहते हैं इसे। लेकिन हम दुकानदार पे जाते हैं ना मांगने के लिए, तो वो उससे कहते हैं काला गौन या गौन स्याह दे दे, तो वो एलवा पकड़ा देता है। ऐसा ना करें, एलवा नहीं है ये, या कोई और उससे मिलता जुलता काला सा पकड़ा देता है। ये गौंद है, लेकिन अलग का किस्म का है, जायके में कड़वा होता है स्वाद में। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है। ये एक दिन की आपकी खुराक है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खा लें, कम चर्बी के दूध से या पानी से, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद खा लें। इसे अगर असली मिल गया आपको तो 5-6 दिन में फ़ायदा शुरू करता है। और आपके लिए ख़ास हिदायत यह है कि ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें, कुर्सी वाला, नहीं तो इलाज ही शुरू ना करें, क्योंकि उस तरफ के लोग इस तरह के टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करते। आपके लिए ज़रूर चाहिए, दवा से भी ज़रूरी। और पेट अच्छा करना है तो एक नुस्खा अलग से बता रहा हूँ। देखिए, सारी चीज़ें किचन की बता रहा हूँ। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें किचन में हैं। मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये पाउडर बना लें। सबको बराबर बराबर वज़न में लेकर 100-100 ग्राम ले लें। और एक आता है नमक जैतून, बस एक चुटकी काफ़ी है। 2 गिलास पानी में डालें, और 1 चम्मच ये जो 6 चीज़ों का आपने पाउडर बनाया, खाकर ये पानी पी लिया करें। दिन में एक ही बार काफ़ी है, ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं। खाने से आधा घंटा पहले लेना अच्छा है। ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदे मुमकिन है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।